केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को जीतने की रणनीति के साथ ही उपचुनाव के प्रत्याशी पर मंथन किया गया। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया गया है और पार्टी की बैठक में प्रदेश से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के साथ ही तमाम अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशी चयन के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा की केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी है और जल्द प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा की जीत का भी दावा किया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। में केदारनाथ उपचुनाव के संबंध में वरिष्ठ नेताओं की बैठक है, उसमें केदारनाथ उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा भी होनी है, उसमें चर्चा भी होनी है और रणनीति भी बननी है कि किस तरीके से हम चुनाव वहां पर लड़ेंगे। सारे वरिष्ठ नेता उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। संभवतया उम्मीदवार की आज घोषणा हो भी सकती है, नहीं तो कल उम्मीदवार की घोषणा माननीय अध्यक्ष जी यहाँ आने के बाद कर सकते हैं उसकी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रणनीति क्या होगी, उसमें गंभीर चर्चा होने की आज संभावना है। देखो भाई, जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल मंथन करते हैं, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। अब जनता तय करती है किसको जीतना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व सब 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। हम केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है जो उस समय दिखाई दे क्या तैयारी है, हमारी हमेशा तैयारी होती है और चुनाव निश्चित रूप से हम केदारनाथ का जीतेंगे।